कोटा में नेशनल हाईवे 76 को नेशनल हाईवे 12 से जोड़ने वाले उत्तरी बाईपास के लिए जमीन देने वाले किसानों को अब सरकारी नहीं बल्कि बाजार दर से मुआवजा मिलेगा। ऐसे में भड़ौती के किसान को लाखों करोड़ों रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे। एक रिपोर्ट। शहर से सटे गांवड़ी गामच गांव से लेकर 12 रोड पर पड़ने वाले झालीपुरा गांव के मध्य के सैकड़ों किसान रातों रात लखपति बनने जा रहे हैं और ये सब संभव होगा। नए भू अधिग्रहण कानून के मुताबिक सभी किसानों को बाजार दर से मुआवजा और साथ में जमीन के बदले जमीन का विकल्प उपलब्ध कराए जाने के कारण भाजपा विधायक भवानी सिंह राजावत ने यूआईटी अधिकारियों और संभावित किसानों के साथ एक अहम बैठक के बाद लंबे समय से अटके नारदन बाईपास के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की घोषणा की। किसानों को अच्छा पैकेज मिले, अब भारत सरकार ने जो निर्णय लिया 4 गुना ज्यादा डीएलसी रेट से ज्यादा मुआवजा देने का, उसको हम लागू कराएंगे। 4 गुना ज्यादा मुआवजा किसान को, जो किसान चाहेगा उसको मुआवजा, और जो किसान जमीन के बदले जमीन चाहेगा उसको वहीं पर जमीन दी जाएगी। 14 किलोमीटर के इस महत्वाकांक्षी उत्तरी बाईपास प्रोजेक्ट पर लगभग 136 करोड़ की मोटी रकम की लागत आएगी। बीते दिनों दिल्ली में हुई फाइनेंशियल कमेटी और नगर विकास प्रन्यास अधिकारियों की एक बैठक में इस प्रोजेक्ट पर निर्णायक मुहर लग चुकी है, लेकिन हालिया दिनों में मुआवजे के झगड़े और इसके बाद बाईपास के निर्माण पथ को कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टेढ़ा करने जैसे आरोपों से पूरा मसला विवादित हो गया था, लेकिन अब सारे टेढ़े मोड़ सीधे करने और इससे भी अधिक मुआवजा राशि में 4 गुना तक बढ़ोतरी की खबर से किसानों में खुशी की लहर है। हमें तो एक तो बाजार दर से रेट मिलना चाहिए, एक हमारा जो टेढ़े से काटा जा रहा है 20%, वो टेढ़े से नहीं काटा जाए। एक प्रभावशाली लोगों के हमारे किसान उनके प्रेशर में उसको 100 से 200 मीटर तक इन्होंने मुड्डे गलत गाड़ रखे। पहले भी इन्होंने हमारे विधायक मोदी ने पिछले कार्यकाल में भी जब बीबीसी का जब वो जो डला था डिपो, उस टाइम भी जो 60,000 मुआवजा था उस टाइम 3 लाख रुपए मुआवजा इन्होंने बीघा का दिलवाया था, तो हमें आशा है कि 15 लाख रुपए मुआवजा किसानों को मिलेगा और इस पर सभी किसान राजी होंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि उत्तरी बाईपास से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही साथ अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को भी बल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाईपास एक साथ 225 से भी अधिक किसानों को रातों रात लखपति बनाने वाला है। कोटा से ईटीवी न्यूज के लिए भवानेश चारण की रिपोर्ट।